खुशी मांगते हैं निरंतर करिश्मा प्रभु वो नित्य नूतन भावनात्मा वो सत्य चेतना भावनात्मा वो नित्य नूतन भावनात्मा वो सत्य चेतना तू भर दे रोशनी तेरी मुझ में तू भर दे वचनों से तेरे मुझको तू भर दे रोशनी तेरी मुझ में तू भर दे तू चंगा कर हम रोगियों को संजीवनी हम रोगियों को संजीवनी है तेरा वचन वो नित्य नूतन पावनात्मा वो सत्य चेतना पावनात्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ।
भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम अपने अपने घरों में हैं लॉकडाउन के कारण। 2000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ, परिवार शिष्य अपने अपने बंद कमरे में थे, वे डरे हुए थे, एक तरीके से वे चिंतित थे, एक तरीके से उनमें भय था, डर था, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उनका जीवन बदल गया। जो भय था, जो डर था, जो चिंता था, सब बाहर निकल गया और दरवाजे खोल के वे प्रभु के प्यार, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की सेवा प्रकट करे अपने जीवन में। हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज कलीसिया का जन्म दिवस है। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, आप अपने अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं, अपने जन्मदिन, माँ बाप का जन्मदिन, भाई बहन का जन्मदिन, खुशी का दिन है। और इतवार, आज पेंतेकोस्त इतवार, इस हफ्ते का पहला दिन है, एक नया दिन है हफ्ते में। और हम लोग भी चाहते हैं एक नयापन हमारे जीवन में आए। और जैसे परिवार में जब जन्मदिन मनाते हैं एक खुशी है, परमेश्वर को धन्यवाद, आज हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमें एक बनाएंगे, नए बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें। जैसे हमने अभी गाया है, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वचनों से तेरे मुझको तू भर दे प्रभु आज, और रोशनी तेरी मुझ में तू भर दे प्रभु। आइए दुआ करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
मिलकर गाएं हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, सब जन मिलकर गाएं हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी हो रे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तू इस महान पर्व के द्वारा अपने विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है, सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर, सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो द्वितीय कृपा तूने प्रदान की थी उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय ओतप्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पेंतेकोस्त के दिन यहूदी सिनाई पर अपने पूर्वजों के लिए मूसा संहिता की घोषणा का उत्सव सुनाते थे। यीशु के पुनर्स्थान के बाद पढ़ने वाले पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ और एक नए विधान की घोषणा हुई, जो यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। प्रेरित वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्होंने एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार विभिन्न भाषाएँ बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े चंबे में पड़ गए और चकित होकर ये कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी मेदी और अलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया,
और कप्पादोसिया, पेंतुस और एशिया, फ्रीजिया और मिश्र और क्रीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे थे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, क्रंथियों के नाम, संत पालुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 3-7 और 12-13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है।
सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। हम प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुस्त्रोत। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पहुनुता, तू है भोर के ओस का सुखदायक, परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपादान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचता। जो मेला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर, जो कड़ा है उसे सुखा दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दे। जो कुछ तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपने साथ वरदान प्रदान कर। तू हमको इहलोक में पुष्पमय जीवन दे, इनके अंत में मुक्तिदायक मरण, और परलोक में ईश्वरीय आनंद प्रदान कर दे। आमीन। प्रभु है वो, हालेलुया। स्तुति करें हम उसकी सदा, गुणगान गाएं उसका सदा। स्तुति करें हम उसकी सदा, गुणगान गाएं उसका सदा। वो है दयालु, वो है भला, आओ गाएं हालेलुया। सच्चा प्रभु आओ गाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रखेंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों और प्यारे बच्चे, जैसे हम यहाँ होली फैमिली चर्च जीरकपुर में पहुँच रहे थे, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज मिला। एक हमारे धर्मप्रांत में नहीं कहीं और, उनकी माँ गुजर गई और उनके पिताजी अलग रहते हैं और सिर्फ बेटी रह गई। माँ गुजर गई, पिताजी अलग रहते हैं और बेटी अकेली है। और जो मैसेज भेजा है वो कह रहे थे हमसे, बिशप दुआ करिए इस बेटी के लिए, क्योंकि उनके हृदय में बहुत दर्द है, बहुत दुख है और गुस्सा भी है और नेगेटिविटी है बहुत, और बोलती भी नहीं, जवाब भी नहीं देती है। बिशप जी दुआ करिए। ये मैसेज अभी जैसे हम इधर आ रहे थे मुझे मिला और एकदम मैंने मैसेज भेजा, श्योरली वी विल प्रे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे इन दिनों में शायद आपके परिवार या आपके पड़ोस या आपके रिश्तेदारों या आपको पता लगा है या न्यूज़ चैनल में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, एक दूसरे कभी जब फ़ोन करते हैं, सब न्यूज़ जो है एक तरीके से डरावने का, भय देने का, एक तरीके से दुख का है, दर्द है, अंधेरेपन है, जैसे इस बेटी के लिए अभी अकेली है। ऐसे ही इसी तरीके से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु क्रूस पर क्रूसित हुए, दफनाए गए, वे जी उठे, वे कई बार शिष्यों के पास पहुंचे और उनके साथ खाए पिए, उनसे मिले, लेकिन फिर भी जब उनका स्वर्गारोहण हुआ पिछले इतवार, पूरी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया ने एसेंशन संडे स्वर्गारोहण का इतवार मनाया और प्रभु ने उस समय कहा, मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन मैं तुझे एक आत्मा भेजूंगा जो मेरा हमेशा तेरे साथ रहेगा। फिर भी ये शिष्य पूर्ण विश्वास इतना नहीं था। कई बार प्रभु यीशु
कि पुनर्जीवन के बाद कई बार वे बीच बीच में आ गए अचानक। ये सब होते हुए भी शिष्य डरे हुए थे, बंद कमरे में थे, जैसे आपने आज के सुसमाचार में सुना है। सप्ते के प्रथम दिन संध्या समय बंद कमरे में एकत्र थे और बीच आकर यीशु खड़े हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले, और उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और आपने देखा कैसे उस दिन, उस शाम के अवसर, शक्तिशाली चमत्कारिक ढंग से वे शिष्य अभी बदल गए। एक नया जीवन आया उनमें और एक तरीके से अब वे निडर होके दरवाजे खोले, बाहर आए, लोगों के बीच में आए और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बारे में सबको बताने लगे पवित्र आत्मा की शक्ति की आग से। जैसे आपने देखा है और सुना है कि प्रथम दिन वहाँ पर आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठा थे बैठे थे गूंज उठा और उन पर आग के रूप, जीव के रूप में उन पर ये पवित्र आत्मा उतरा। तो हम भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि यदि हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोस में, खुद हमारे जीवन में, हम में भी एक तरीके से एक पत्थर है, एक वजन है, एक डर है, कोई कमी है, कोई ऐसी बात है जो हमने उसको रखा है अपने ही में ही, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसको हम प्रभु से नहीं छुपाएंगे, प्रभु से हम छुपा नहीं सकते। जो कुछ ऐसी बात है जो हमारे हृदय में, जो हमें एक तरीके से दबा रही है, एक तरीके से हमें एक पत्थर जैसे हमारे ऊपर है, जैसे कब्र के एक पत्थर था, बड़ा पत्थर, और पुनर्जीवित प्रभु यीशु जी उठे और पत्थर हटा दिए। आज कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा, आज कलीसिया जन्मदिन मना रहे हैं, एक नया जीवन, जैसे एक नया बच्चा माँ के गर्भ से आ जाता है, पैदा हो जाता है, एक नया जीवन उसे मिल रहा है पूरी सृष्टि में। जैसे हम लोग आज खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, एक नया जीवन मिला है। ये कलीसिया का जन्म पर ये पवित्र आत्मा ने उन्हें बाहर लोगों के बीच में भेजा है और प्रभु के प्यार, प्रभु की रोशनी, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु जो चाहते हैं वे सबको प्रकट किए हैं और ये शिष्य अब ऐसे ही करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने गाया, हमारे क्वायर हर इतवार को लाइव स्ट्रीमिंग, हर इतवार को ये क्वायर अच्छे अच्छे गीत तैयार कर रहे हैं। और आज के जो अंतर भजन में एक वाक्य या दो वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे गीत अच्छे हैं मगर ये वाक्य, तूने उनको प्राण वापस लेता है, तू उनके प्राण वापस लेता है, तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। आज के पाठों में ये अनुवाक्य के शब्द हैं, तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक कर कहा, उत्पत्ति ग्रंथ में दूसरा पाठ शायद सातवां पंक्ति में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और ईव में उनके नतनों में प्राण वायु फूंक दिया और वे जी उठे। प्राण वायु उनके नतनों में, he breathed into their nostrils and they received life, ये लिखा है। तो इसी तरीके से एक बच्चा जब जन्म लेता है
वो अपने नथनों से प्राण वायु लेता है और वे माँ के गर्भ से निकल के अब वे अपना जीवन बिता रहा है, क्योंकि वो अपने नथनों से प्राण वायु लेता है अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने दिल में। इसी तरीके से हम लोग जो एक तरीके से बंद कमरे में हैं, अपने अपने घर में हैं, चिंताओं में हैं, फिक्रों में हैं, हम भी एक तरीके से ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हम बंद कमरे में हैं। हम लोग इस कलीसिया में बहुत ही कम हैं हम लोग, लेकिन ये बंद कमरा, ये चर्च बंद हो, कुछ समय के बाद हम दरवाज़ा खोल देंगे, खिड़कियाँ खोल देंगे, हम बंद कमरे में नहीं रह सकते। इसी तरीके से हम लोग भी आज ये कलीसिया के जन्मदिन जैसे एक नया बच्चा प्राण वायु अपने हृदय में नतनों में के द्वारा लेता है, हम लोग भी लेंगे और प्रभु पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि वे चमत्कारी, प्रभावशाली और एक नया जीवन उन्होंने दिया है। हम लोग दुआ करते, प्रार्थना करते और प्रभावशाली कार्य और नाना प्रकार के कार्य वे करने लगे, जैसे दूसरे पाठ में हमने सुना है कैसे नाना प्रकार के कार्य करने लगे। और आगे कहते हैं वे भिन्न भिन्न भाषाओं में, जो अपने अपने भाषा समझते हैं वो भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे और सब लोग प्रभु को पहचानने लगे, प्रभु को अपनाने लगे। इसलिए अगर अपने विश्वासियों का हृदय तू भर देता है तो उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया, हम गाते हैं प्रेम की आग हम में आए, क्योंकि आज पूरी दुनिया हम देखते हैं आईसीयू में, कुछ दिन पहले करीब 45 मिनट एनडीटीवी पे दिखाया आईसीयू होली फैमिली हॉस्पिटल में, कैसे नर्सेस डॉक्टर्स एक पलंग से दूसरे पलंग वो वेंटिलेटर ऑक्सीजन सप्लाई मॉनिटर कर रहे हैं। वो लोग सांस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम लोग भी शायद आईसीयू में नहीं, लेकिन हम लोग भी कभी कभी अपने अपने घरों में कोई ज़रूरतें हैं जो अच्छे हैं हमारे जीवन के लिए, जो प्राण देता है, नया जीवन देता है। हम इसलिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब हम प्रभु की प्राण वायु अपने हृदय में लेते हैं, हम दुआ करते हे पवित्र आत्मा हमें पवित्र रख। जब हम प्राण वायु अपने हृदय में लेते हैं, पवित्र आत्मा हमें पवित्र कर। और जब हम कार्य करते हैं, ओ पवित्र आत्मा हमारे कार्य भी पवित्र हो। और जब हम तेरे हृदय में आते हैं प्रभु, हमारे प्यार इस आग से सुलगा, ये प्यार हम में आए, ये पवित्र बरहे। और जब हम निडर हो जाते, जब हम डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हे पवित्र आत्मा हमें संभाल, हमारी रक्षा कर। और हे पवित्र आत्मा हमें हमेशा सुरक्षित रखे, पवित्र रखे। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों में से कई हैं जिन्होंने दृढ़ीकरण संस्कार लिया है, दृढ़ीकरण संस्कार, द सैक्रमेंट ऑफ कॉन्फर्मेशन, और वहाँ पर आपने दुआ किया है, प्रार्थना की है, हे पवित्र आत्मा तेरे 7 वरदान हम में आए, 7 वरदान, प्रज्ञा, विवेक, परामर्श, दृढ़ता, ज्ञान, धर्मनिष्ठा और श्रद्धा पूर्ण भय। ये वरदान हमने दुआ किए, प्रार्थना किए जब हमें दृढ़ीकरण संस्कार मिला है। तो आइए हम दोहराते हैं अपने हृदय में कि ये 7 वरदान और ये अनेक अनेक जगह हमारे हृदय में, अपने जीवन में, जैसे हमने अभी दुआ किया, प्रार्थना किए, हे हमें, हे पवित्र आत्मा हमें पवित्र रख, वो तेरी शक्ति हम सब में आए। आइए हम प्रार्थना करें और दुआ करें।
हम सब मिलकर बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरा और उनको अपने वरदानों से परिपूर्ण कर दिया। कलीसिया में अनेक प्रकार के कृपादान और कार्य होते हैं, किंतु एक ईश्वर सबों को अलग अलग वरदान देता है। इसलिए हम ईश्वर की वरदानों के लिए और हमारी समस्त जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और इसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों और उपयाचकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम उन सभी धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और क्रिस्तीय मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिशुओं और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नव युवक नव युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। आपको कई बार मैसेजेस मिले हैं भाई बहनों के लिए, किसी के लिए दुआ करने के लिए, और किसी ने आपसे भी खुद अपने जीवन और वरदानों के लिए दुआ किए हैं, आपसे निवेदन किए हैं। हम इन भाई बहनों को जो हम याद करते हैं, जो हमें पुकारते हैं, और सभी ये निवेदन जो हमने अभी प्रकट किए हैं प्रभु के प्यार भरे हाथों में रखते हैं। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा का उपहार
देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान प्रदान कर, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के साक्षी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा, मन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा, दिल तुझको चढ़ाए लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। बदल दो अपने शरीर रक्त में, रोटिया हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में, जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाए भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा, वे हमें इस बलिदान
के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि वे हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। ये वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषाओं को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। आचरित है अवनी अंबर, तेरी महिमा की प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च जगत, प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं, धन्य है वे जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च जगत, प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन है पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर।
वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को येसु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति के बाद भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के बेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों
प्रतापी शाहिदों और सब संतों के साथ हमें भी उनकी स्वर्गीय आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी निरंतर सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारा पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस और मैं अयोग्य सेवक, सभी धर्मदक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार के सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा समामन युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश और द्वीय शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में
बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। Yeah.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी कलीसिया को दिए वरदानों से विभूषित करता है, उसे कृपा को सुरक्षित रखे जिसने तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सिर झुकाए आशीष के लिए। आज हम अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों के अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वे द्वीय ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी, आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने विभिन्न विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है, वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे अति परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर कि अभी विस्मय में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। हे कुआरियों की कुआरी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा रहूँ। हे परमेश्वर की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। माँ मरियम परिवारों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहायम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम त्रस्या, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ का प्रार्थना, प्रणाम हे मुक्तिदाता के रक्षक और धन्य कुमारी मरियम के वर। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया, तेरे साथ रहकर क्रिस्त मनुष्य बना। हे धन्य योसेफ, हमारे लिए भी तू एक पिता बनकर जीवन की राह में हमारी अगुवाई कर। हमारे लिए अनुग्रह, दया एवं साहस हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए।
महिमाय तेरे प्रभु गाए हम जहां हम जाए तेरा यश गाए तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए जहां कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए महिमाय तेरे प्रभु गाए हम मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए जहां हम जाए तेरा यश गाए तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए जहां कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम